नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे श्री रेणुका शुगर लिमिटेड के बारे में। दोस्तों कल के दिन की बात करें तो आप यहां पे देख सकते हो शेयर हमें 0.3% ऊपर जाता हुआ देखने को मिला, लेकिन अगर मैं पिछले एक मंथ का चार्ट ओपन करूं तो इस शेयर में हमें एक कंसोलिडेट फेस देखने को मिल रहा है, लेकिन ये कंसोलिडेट फेस आने वाले समय में टूटता हुआ देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत अच्छी अपडेट देखने को सामने आई है। टाइम को वेस्ट किए बिना सीधा आपको लेकर चलता हूँ इसकी अपडेट पर, जहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि इथेनॉल के लिए मक्के का उत्पादन बढ़ाने पर की गई चर्चा। दोस्तों मक्के का उत्पादन बढ़ाया जाएगा तो आने वाले समय में इथेनॉल की जो ब्लेंडिंग के टारगेट है 20%, वो भी ज़्यादा अचीव होते हुए देखने को मिलेगा। कंपनी जल्दी से जल्दी इथेनॉल एक अच्छी खासी मात्रा में इंक्रीज करेगी तो इनका जो नेट प्रॉफिट है वो हमें ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगा। अगर इन जैसी कंपनी जैसे श्री रेणुका शुगर एक अच्छा खासा काम करती हुई देखने को मिली है इथेनॉल पे, इनके जो इथेनॉल की कैपेसिटी है वो लगातार बढ़ाती हुई देखने को मिलती है। पहले 720 KLPD की तरफ देखने को मिलती थी, अब ये 1400 KLPD की तरफ देखने को मिली है। और इनके टारगेट, इनके फ्यूचर प्लान भी आने वाले समय में इथेनॉल से जुड़े हुए जो एक्सपेक्ट है वो हमें बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, जो कि इनके शेयर होल्डर के लिए बहुत अच्छी बात निकल के सामने आती है। दोस्तों इस यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि यहाँ पे 50 लोगों ने मीटिंग में हिस्सा लिया था, जिसमें यहाँ पे मक्के का उत्पादन बढ़ाने की पूरी चर्चा की गई है। और उसी के साथ इन्होंने साफ साफ बताया कि 20% टारगेट जो इथेनॉल से जुड़े हुए हैं, ब्लेंडिंग से जुड़े हुए 20% टारगेट वो ज़्यादा अचीव होते हुए देखने को मिल सकते हैं। जो हमारे यहाँ पे इंडिया में पेट्रोल डीजल के प्राइस ऊपर जाते हुए देखने को मिलते हैं, उनका जो अल्टरनेटिव है वो इथेनॉल है, और आने वाले समय में इथेनॉल एक अच्छी खासी मात्रा में ब्लेंड होता हुआ देखने को मिलेगा। अभी टारगेट 20% है और 30% होते हुए भी देखने को मिलेगा, जो कि सीधा सीधा फायदा है इन जैसे शेयर को देखने को मिलेगा। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आपके पास श्री रेणुका में आप इन्वेस्टमेंट करके चलिए, धीरे धीरे से लेकिन SIP के तौर पर इस शेयर में बाय करके चलिए, जैसे जैसे शेयर ऊपर जाता है इसमें इन्वेस्टमेंट करते जाइए, ताकि आप भी इथेनॉल से जुड़े हुए शेयर से एक अच्छा खासा सेफ रिटर्न ले पाएँ। और ये शेयर इथेनॉल पर एक अच्छी खासी मात्रा में काम करता हुआ देखने को मिलता है, और उसी के साथ ये जो मात्रा है जो इथेनॉल की जो कैपेसिटी है वो लगातार इंक्रीज करता जा रहा है, जो कि इनके शेयर होल्डर के लिए अच्छी बात निकल के सामने आती है। क्योंकि अगर फ्यूचर इथेनॉल के साथ है तो जो इस शेयर पे जो ये कंपनी अभी इस पर अच्छा खासा काम करती हुई देखने को मिलती है, तो वो आने वाले समय में एक अच्छा खासा रिटर्न भी जरूर देगी। तो इन जैसे शेयर को बाय करके चलिए, धीरे धीरे SIP के तौर पर इन्वेस्टमेंट करते जाइए, ताकि आप इन शेयर से एक अच्छा खासा सेफ रिटर्न ले पाएँ। सो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये अपडेट अच्छी लगी हो, अच्छी लगी तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।